सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के निधन के बाद बाकी सभी कलाकारों ने अपने खास अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऋषि कपूर और सलमान खान के बारे में बताएंगे, क्योंकि ऋषि को श्रद्धांजलि देते हुए सलमान खान ने उनसे माफ़ी मांगी। आपको बता दें, ऋषि गुस्से के काफ़ी तेज रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एक शख्स जिसके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा, और वो हैं खुद सलमान खान। हालांकि आपको बता दें, ये है जलवा जैसी फिल्म में पिता और बेटे का किरदार अदा कर चुके ऋषि कपूर और सलमान खान के बीच रिश्ते हमेशा से खराब नहीं थे। इनके बीच हमेशा से तनाव नहीं था, बल्कि पहले एक दूजे के साथ इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। मगर जब रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का लिंकअप हुआ, सलमान खान रणबीर के खिलाफ हो गए और ऋषि कपूर अपने बेटे की साइड लेते हुए सलमान खान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट्स में जब ये दावा किया गया कि सलमान ने रणबीर पर हाथ तक उठा दिया है, ऋषि कपूर सलमान पर भड़क उठे। सलमान खान के पिता सलीम खान ने इस लड़ाई को ठीक करने की कोशिश की, इस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश की। बताया जाता है कि सलीम खान ने अपने बेटे की तरफ से ऋषि कपूर से माफ़ी मांगी और दोनों के बीच रिश्ते ठीक भी हो गए। रणबीर बॉलीवुड में नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे, सलमान कैटरीना के बीच रणबीर आ गए और इन सबके बीच पूरी तरह से सलमान खान रणबीर कपूर के खिलाफ हो गए। बताया ये भी जाता है, जब ऋषि कपूर सोनम कपूर की रिसेप्शन पार्टी में गए, वहां पर सलमान ने उन्हें अच्छे से ग्रीट नहीं किया। इससे नाराज ऋषि ने सोहेल खान की पत्नी सीमा खान से शिकायत करा और सीमा खान को दो चार बातें सुना दी। जब सीमा और ऋषि के इस नोकझोंक के बारे में सलमान को पता चला, तो सलमान खान गुस्से में आ गए और ऋषि कपूर के साथ कहासुनी एक बार फिर हो गई। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बिना ऋषि का नाम लिए कहा, अगर कोई मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य का अपमान करता है तो मैं उसे इज्जत नहीं दे सकता। ऐसी एक या दो फैमिली है जहां से मुझे वो प्यार या सम्मान नहीं मिला। कुछ लोग इंडस्ट्री के मेरे घर पर कभी भी वेलकम नहीं होंगे। बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच ऋषि कपूर के निधन की खबर सामने आई तो सलमान खान परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और चिंटू अंकल से माफी मांगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।